तब ये बनता है कि आप फार्मूला पूरा याद कर लीजिए 5.2 में। ये तो एकदम निश्चित रूप से धड़धड़ा के कि सवाल बीच में कहीं फंसे नहीं, सूत्र की वजह से ही सवाल फंस जा रहा है आपका। कुछ आपको लिखा दे रहे हैं जो आप 5.2 में यूज करेंगे, ठीक है। सेक एक्स रहेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 7 नंबर है डी डी एक्स, अगर कोसेक एक्स होगा तो यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तब का हुई हाई कह रहे हो कास के माइनस में होगा सब। देखो जितना ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में, ठीक है। लाग एक्स रहेगा तो 1/x, और अगर a पर x होगा तब इसका अवकलन a पर x लाग डी ए, अवकलन डी डी एक्स होगा अगर e पर x होगा तो e पर x। पहले तो ये 10 फार्मूला कहीं भी आपको दिखाई दे मोजबानी पूरा पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक। 10 तो ये फार्मूला रहेंगे याद, 11 नंबर फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, अधिकतर इसी का यूज करेंगे हम। कॉमन अगर 11 नंबर फार्मूला कहीं आपको ऐसे दिखाई दे रहे कि डी डी एक्स साइन एक्स डी डी एक्स कह रहे हैं, यहाँ पर अंश बटा हर दे दे तो उसको आप हमेशा पहले हर लिखते हैं तब डी डी एक्स, तब अंश लिखते हैं तो माइनस अंश लिखते हैं तब डी डी एक्स आप हर लिखते हैं, आप पूरा का बटा में हर का स्क्वायर कर देते हैं। ये फार्मूला 11। 12 नंबर भी याद रखेंगे कि अगर डी डी एक्स दो पद हो, दोनों चर राशि हो, ठीक है ना, पहला पद है उन्हें दूसरा पद है, तो 1 डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस 2 और डी डी एक्स ऑफ 1, एक ये भी फार्मूला, ठीक। तो इतना फार्मूला आपके पास मौजूद है, इसी फार्मूला का यूज करके आप सवाल को हल, समझ रहे। तो इस तरीके से ये फार्मूला माने महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा यूज करना है अंश बटा हर का, तो आप पहले हर लिखिएगा तब डी डी एक्स ऑफ अंश, तो माइनस तब अंश तब डी डी एक्स हर, तब आपके हर के नीचे माने हमेशा स्क्वायर हो जाता है जब भी आपको ना। एक ट्रिक जरूर याद रखिएगा सब लोग 13 नंबर में, कि जब भी डी डी एक्स अच्छा राशि हो तो इसका मान हमेशा 0 हो जाता है। अच्छा राशि का मतलब कि मान लो 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 100 आ गया, 500 आ गया, तो उसका मान हमेशा हम लोग 0 रखते हैं। मतलब जब भी अच्छा राशि होगा तो उसका मान हमेशा हम लोग 0 लिखते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। जब भी अच्छा राशि होता है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इनवर्स वाला भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तो है नहीं शायद, 5.2 में है, आगे आएगा तो उसमें हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी हम लोग सवाल को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से सवाल को प्रयास करेंगे हम लोग पूरा लगाने का, ठीक है। देखो खूब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक है प्रश्न वाली 5.2 के, हर एक सवाल को वाई बराबर मानेंगे इसमें, तो वाई बराबर क्या है आपके पास, वाई बराबर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ही आप समझते चलेंगे। सेकेंड आपका है वाई बराबर कास है फिर साइन एक्स है, थर्ड हमारे पास है वाई बराबर साइन है आपके पास फिर ए एक्स प्लस बी है, फोर्थ हमारे पास है वाई बराबर यहाँ पर सेक है फिर टेन है कर्णी में एक्स है, इस तरीके से दिया है। फाइव बराबर आपके पास है, इस तरीके से दिया है, फाइव बाद में लगाते हैं, पहले इसको देखते हैं। देखो ये सवाल है, सवाल को हमेशा पीछे से अवकलन करते चलेंगे, हमेशा इसको भी पीछे से अवकलन करेंगे, इसको भी पीछे से, इसको भी पीछे से। अच्छा अवकलन मान करके तब करेंगे जब उसमें इन्वर्स वाला दिया हो, इसको मानने की जरूरत है, मानते हैं समाकलन में, अवकलन में डायरेक्टली लगाते चले जाते हैं, पीछे से अवकलन करते हुए चले जाते हैं। तो पहले या अगर इसको हल करते हैं तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, पहले लगा लीजिए डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख लो,
पहले पाँच का जीरो लिखो, चलो जीरो लिखते हैं, प्लस आई एक्स स्क्वायर का 2x लिखो, क्यों एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, घात आगे आ जाता है, नियम यही होता है, घात देखो यहाँ पर लिखा गया ना, घात आगे आ गया यार, फिर इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दो तो 2x हो गया, तो यहाँ पर 2x साइन सीधे किससे बदल जाएगा, कॉस में, इसका आगे जितना जुड़ा है सब वैसे ही लिख देना, बस आगे वाला जो हिस्सा होता है ना साइन टेन कॉस जो भी हो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको ऐसे ही लिख देता है। हमारे पास आंसर आ गया dy बटा dx बराबर ये 2x, ये cos, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर 5, यह हमारा कहा गया, कहा गया, यहाँ पर भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले आप कहा लिखेंगे dy बटा dx, यहाँ पर dx लगा दो, ये cos लिख लो, ये sin x लिख लो, अब क्या करना है पीछे से x का अवकलन डी वाई बटा डी एक्स उसे ही लिख लो, x का अवकलन एक लिखो गुणे साइन का अवकलन cos लिखो, इसके साथ जुड़ा उसको लिखो गुणे, इस cos का अवकलन करेंगे माइनस साइन होता है, इसके साथ जो भी जुड़ा होगा साइन x जुड़ा है लिख दो, तो हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स का जो मान निकल कर आएगा, पहले माइनस सबसे आगे, तब cos x लिख लो, तब cos x लिख दो, तब ये साइन लिखो, इसके साथ साइन x लिख दो, ये हमारा आंसर है, सी वगैरह नहीं लिखा जाता इसमें, समझ में आया, पीछे से अवकलन करते चलो, जो आपके साथ पूरा फार्मूला स्ट्रांग, एक्स का अवकलन हमेशा एक होता है, वाई का भी एक होता है, ठीक है, अगर अच्छा राशि रहता तो उसका मान हम लोग जीरो लिखते, चलो भाई इसको भी लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख लो, पहले आप डी डी एक्स लगा लीजिए, साइन लिखिएगा, फिर आप ए एक्स प्लस बी लिखिएगा, ऐसे लिखा गया, अब आप इसको हटाएंगे, यानी हटाने का मतलब है कि आप अवकलन करके लिखेंगे, पहले b का जीरो लिखेंगे, तब ए एक्स है तो a लिखेंगे, साइन का cos लिखेंगे, साइन को cos में चेंज कर दो, और फिर ए एक्स प्लस बी आप लिखेंगे, तो आपके पास हो गया केवल a cos लिखिए, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आप लिख देंगे, समझ में आया, चलो इसको अवकलन करते हैं, इसको भी लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वाई बड़ा मानते हैं, अवकलन का मतलब ये होता है कि डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स लिख लो, फिर डी डी एक्स लगा दो, सेक लिख लो, टेन लिख लो, कली में एक्स लिख लो, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख लो बराबर, कली में एक्स का अवकलन करो तो वन अपॉइंट टू कली में एक्स गुणे टेन का अवकलन करो, सेक स्क्वायर लिखो, कली में एक्स लिखो गुणे, देख रहे हैं ध्यान से, कली में एक्स का एक बटा दो कली में एक्स, टेन का सेक स्क्वायर कली में एक्स, सेक सेक का अवकलन करोगे तो लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं गुणा करके सेक एक्स, तो एक्स यहाँ पर तो हाई बार पूरा तो वो लिख लेना टेन करनी में एक्स, फिर टेन भी होता है टेन, ये जो है टेन करनी में एक्स, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये चार सवालें थी जो आप लोग आराम से लगा सकते, मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। चलिए कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास फाइव नंबर पर चलते हैं, फाइव नंबर आंसर बटा हर से ही लगेगा, देखो बटा में दे दिया है ना, वाई बराबर लिख लेना है साइन, दे दिया ए एक्स प्लस बी, नीचे आपका दे दिया है कॉस सी एक्स प्लस डी, पाँचवा सवाल में ठीक है इस पर लगेगा, छठवा सवाल आ जाओ, छठवा सवाल में भी वाई बराबर हम लोग मान लेंगे जो दे दिया गया आपका कॉस दिया गया है, कॉस है, फिर एक्स पर तीन है, फिर साइन स्क्वायर है, फिर एक्स पर पाँच, सात नंबर भी आ जाओ यहाँ पर लिख देते हैं, सात नंबर है वाई बराबर दो लिख लो, कर्णी के अंदर आठ लिख लो, और फिर एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है, फिर आठ नंबर आपके पास है, आठ नंबर आपके पास है, तो आठ नंबर क्या है कि कॉस वाई बराबर कॉस कर्णी में एक्स, इतना लगा लेते हैं हम लोग, तो इसको अंश बटा हर से आप हल करेंगे, तो वाई बराबर दिया गया है तो वाई बराबर इसको आप मान लेंगे, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, डी डी एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा और एक काम करिए इधर से लिखिए, तो डी वाई बटा डी एक्स पहले हर आ जाएगा कॉस
सी एक्स प्लस डी तो डी डी एक्स तो भाई साइन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस अब आंस आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी और नीचे जो होगा कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर यानी कॉस के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं कॉस के ऊपर। अब जानते होंगे कि बराबर ये जैसे है इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अवकलन के पहले वाला जैसे होता है वैसे ही हम लिख लेते हैं। ये चेंज कर दीजिए पहले जीरो हाई एक है तो ए एक्स के तो खाली ये होगा एक्स के एक साइन कॉस में चेंज हो जाएगा जैसे ही आपके पास ए एक्स प्लस बी वैसे ही माइनस ये जैसे है साइन ए एक्स प्लस बी आप वैसे ही लिखिए ये टी का जीरो सी एक्स का सी हो जाएगा कॉस वैसे ही लिखिए सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और नीचे पूरा के बट्टा में जैसे ही आपके पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आपका ये निकल ठीक है। तो अब सजा के लिख जाना है बस ये पहले निकाल लो कॉस लिख लो यहाँ से सी एक्स हाँ तो माइनस साइन होगा ना तो सी तो लिखा गया तो यहाँ पर लिख लेना है माइनस का आगे कर लो तो प्लस हो गया साइन ठीक है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी लिख लो आई कॉस लिख लो फिर ए एक्स प्लस बी लिख लो फिर प्लस लिख लो अच्छा सी सबसे आगे निकाल लो साइन लिख लो ए एक्स प्लस बी लिख लो फिर ये साइन लिख लो सी एक्स प्लस डी लिख लो और नीचे जो आपके पास है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ठीक है। चलो इसको अवकलन करो अब छोड़ दो इतना आ जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर पहले लगा लो डी डी एक्स लिख लो कॉस लिखो एक्स के ऊपर थ्री साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर पाँच फिर आप का लिखेंगे पीछे से इसकी अवकलन करेंगे पाँच एक्स के ऊपर चार हो जाएगा इसको करें गुणे अब इसका करोगे तो घात पहले आगे आएगा देखो ना ये साइन टू में से घट जाएगा और जेगा एक्स को पाँच को होगा इंटू फिर अब साइन के करो तो कॉस में चेंज हो जाएगा और एक्स के ऊपर पाँच इंटू फिर आप एक्स पर थ्री का करो तो थ्री एक्स के ऊपर दो हो जाएगा फिर कॉस के करो तो माइनस साइन एक्स के ऊपर थ्री देख लो लाइन बाई लाइन करते चल रहा है तो डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना होगा सजा के देखो पहले अचर राशि कितना एक पाँच यहाँ पर है एक पाँच यहाँ पर ठीक है ये कॉस साइन में चेंज हुआ है पाँच नहीं है खाली साइन है आपका ठीक है ये पाँच यहाँ पर है एक तीन यहाँ पर है पाँच तेरह पंद्रह पंद्रह दूना तीस तीस लिख लो तीस लिख लो अब तो एक्स आगे है यहाँ पर भी है एक्स पर दो है एक्स पर चार है अलग अलग है तो एक्स पर छः लिख लो बाकी सजा के लिखो साइन लिखो साइन एक्स के ऊपर पाँच लिखो कॉस लिखो एक्स के ऊपर पाँच लिखो ये माइनस है तो सबसे आगे माइनस कर दो साइन लिखो एक्स के ऊपर थ्री लिखो इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। इसका अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष इसका भी अवकलन करने को लिख सकते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर देखिए आप पहले लगा लीजिए इसको डी डी एक्स लिख लो दो बारी कर दो करनी में कॉट एक्स स्क्वायर लिख लो दो ऐसे ही लिखो गुणे पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन करो दो एक्स अब काट के अवकलन करो माइनस कोसेक स्क्वायर अजेगा एक्स स्क्वायर वही इंटू फिर इसका करनी वाला का पूरा बटा मार जाएगा एक बटा दो करनी में कॉट एक्स स्क्वायर बस सही बटा में है ना बटा में तो दो से दो कट जाएगा बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी अवकलन कर लो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब आप अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कनी में एक्स का अवकलन पहले करोगे तो एक बटा दो कनी में एक्स हो जाएगा कॉस के करोगे तो माइनस साइन कनी में एक्स आ जाएगा माइनस साइन कनी में एक्स अपान दो कनी में एक्स हमारा आंसर ठीक है। ये 5.2 था आप लगाने का प्रयास करिए जो सवाल इसमें बचे हैं कल आपको हम बताएंगे कल अवकलन समाप्त कर देना समाप्त नहीं लगी फिर भी हाँ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चलो।